हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि एंड मैं आज आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि, जब भी हम ऑनलाइन कोई वेबसाइट खोलते हैं उनमें हम जब भी स्ट्रेटनर वगैरह फिर कलर वगैरह सर्च करते हैं तो उसमें 250, 300, 350, 400 वाले स्ट्रेटनर्स आते हैं, तो क्या वो स्ट्रेटनर्स वर्क करते हैं, आप हमें बताओगे? तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं वेगा का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। अगर जो मेरे प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखे हुए तो उन्हें पता होगा कि मैं वेगा का स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ एंड कर्लर भी उसमें है, स्ट्रेटनर प्लस कर्लर एंड प्लस क्रम्पर भी है उसमें, तो मैं वो यूज़ करती आ रही हूँ। तो मैंने कभी इनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया एंड ये हमारा पार्सल है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और मैंने कहा कि मैं परचेज करके बता सकती हूँ कि मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, तो मैंने कहा मैं परचेज करके आप लोगों को बताऊंगी कि वो वाकई काम करते हैं कि नहीं करते। मेरा पार्सल मुझे मीशो की तरफ से रिसीव हो गया है। इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू मिल जाएगा, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसी के साथ साथ हेयर स्ट्रेटनर या फिर हेयर कलर बस काम ये करते हैं कि आपके हेयर्स को थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभी। तो मैंने ये स्ट्रेटनर ऑर्डर किया एंड हम देखते हैं कि हमें कैसा रिसीव हुआ है। अच्छे खासे बबल रैप में ही हमको रिसीव हुआ है और मैंने अभी इसको खोला नहीं है, बट ये हल्का सा पैकेट थोड़ा सा पार्सल मुड़ा हुआ है, चलेगा। ब्रांड नोवा से है, पिन वन हेयर ब्यूटी सेट है एंड NHC 2009 इसका शायद मॉडल नंबर होगा एंड इसमें लिखा हुआ है साफ साफ ये स्ट्रेटनर प्लस कर्लर है और हम इसे देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। इसमें सारे ही आपको स्टेप्स दिए हुए हैं और आप पैकेजिंग देख सकते हैं कुछ ऐसी है एंड इसमें कलर्स भी दिए हुए हैं कि आप कौन कौन से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट का ऑप्शन तो नहीं था, बट आपको रिसीव किस कलर में होना है शायद ये उससे है, तो देखिए आपको कैसा रिसीव हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमें किस कलर का रिसीव हुआ है। ये है पिंक कलर का, जैसा कि बाहर पार्सल है शायद उसी कलर का है। ये पॉलिथिन में ऐसा रिसीव हुआ है। वाओ, ये तो बहुत छोटू सा है, काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है। वाओ, सुंदर सा है, बहुत छोटा सा है और ये लॉक है अभी और इसमें बटन दिया हुआ है ओपन एंड लॉक के लिए। मैं इसे प्रेस करती हूँ, अच्छा नीचे करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये आपका अनलॉक हो गया है एंड मेरे पास जो वेगा का स्ट्रेटनर है उसमें भी ये फीचर है, ये वाला ऐसे ऐसे करने वाला कर्ल करने के लिए एंड उसमें भी लॉकिंग सिस्टम है, काफ़ी चलिए अच्छा है। खैर अगर 250, 300, खैर मुझे ये 190 रुपीज़ का पड़ा और 192 के हिसाब से नोवा ब्रांड का मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, अच्छी खासी डील है। आप चाहें अगर आप ज़्यादा चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और परचेज करना चाहती हैं, इतना बजटिंग नहीं है, उनका बजट नहीं है, तो वो ये चीज़ परचेज कर सकती हैं एंड आपको वायर इतनी लंबी मिलेगी। इसमें 26 मीटर की लिखी हुई है, तो हम देखते हैं कैसा काम करता है। ये ऑन ऑफ का भी सिस्टम है, मैंने इसे ऑन किया तो आपको दिख रहा होगा रेड लाइट जल गई है इसमें। चलिए जब तक ये देखते हैं हीट अप होता है तब तक हम हीट प्रोटेक्टर अपने बालों में लगा लेते हैं एंड देखेंगे ये काम करता है कि नहीं करता। आप बिल्कुल छोटू सा सेक्शन लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे हैं तो आपने देखा होगा मैंने बी ब्लंट से अपने लिए अभी हीट प्रोटेक्टर मंगाया है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। मुझे बॉटल इसकी वाकई बहुत बहुत सुंदर लगी और वाकई ही बॉटल का आप शेप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा है एंड मैं इसे एक बार यूज कर चुकी हूँ और बाकी आपको मैं यूज करके दिखा ही रही हूँ। हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटनर कैसा काम करता है। ओके, गरम हो गया है, बैक साइड में कर्लर है तो ये चीज भी गरम होगी। अगर आप कभी भी अगर आप ये परचेज करते हैं इन फ्यूचर तो आप हमेशा सिर्फ इसकी टिप को ही टच करिएगा, ये चीज टच मत करिएगा क्योंकि ये गर्म होने से आप जल सकते हैं। यही चीज वेगा के स्ट्रेटनर में भी है, तो मैं उसके लिए भी यही कहती हूँ कि मैं उसे ही बहुत ध्यान से यूज करती हूँ। गर्म हो गया है एंड हम देखते हैं कि ज्यादा बाल आ गए शायद, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
आप लोग बताइएगा कि काम करा कि नहीं करा इसने। खैर कर तो रहा है, लग तो रहा है मुझे, देखिए। हाँ हाँ ओहो, ये तो हो रहा है। अरे वाह, मतलब मिनिमम इसने बहुत कम टाइम लिया और बहुत जल्दी हीटअप हो गया। एंड आप देख सकते हैं कि इसने बाल स्ट्रेट किए हैं और काफी अच्छे से किए हैं। देखिए 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 कितना बढ़िया लग रहा है। ओके देखिए बाल स्ट्रेट हुए हैं, वाओ। मतलब मैंने कभी एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया कि मुझे कभी परचेज करना चाहिए, और अगर मेरे पास पहले मुझे ऐसा कुछ पता होता कि मेरे पास ये ऑप्शन है इतने रीजनेबल प्राइस में, 190 या फिर 198 रुपीज़, 200 रुपये के अंडर अंडर ये आ गया, तो मैं डेफिनेटली इसे पहले ही परचेज करती। मैं 1300-1500 रुपये उसमें बर्बाद करती यार। वाओ ये काफ़ी अच्छा है। चलिए थोड़ा सेक्शन और अलग से, डिफरेंट थोड़ा सा अलग जगह ले लेते हैं, और मुझे हीट प्रोटेक्टर इसे लगाना पड़ेगा। ओके चलिए हम इस जगह देखते हैं। वाओ ये काफी अच्छा काम कर रहा है यार, नाइस। वाओ मैंने कभी से कर्लर यूज नहीं किया, एंड मैं कर्लर यूज करके देखती हूँ कि कर्लर कैसे यूज करते हैं। मैंने मुझे इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे कर्लर के लिए क्या करना होगा मुझे। उन्होंने जस्ट ये बोला कि आप इंसर्ट करिए अपने बाल इसमें, एंड नहीं इसमें इंसर्ट करने हैं, एंड इसमें राउंड करके छोड़ देने हैं। वाओ गाइस हल्के हल्के कर्ल हुए हैं। खैर मुझे कर्ल करना बाल कभी नहीं आया, एंड मैंने कभी कर्ल किए भी नहीं है। एक बार आपने देखा कि मेरे बाल हल्के हल्के से कर्ल हुए हैं, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड मैं और बाल कर्ल करके देखती हूँ। ओके नहीं कर लूँगी, मुझे पता है आप लोग कमेंट, मुझे कुछ कमेंट नहीं करने वाले कभी भी। चलिए खैर ये तो हुआ हमारा स्ट्रेटनर प्लस कर्लर प्लस क्रम्पर, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड आप देख सकते हो कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। मैंने बाल कर्ल किए थे एंड वो धीरे धीरे से स्ट्रेट हो रहे हैं। वाओ 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 सीरियसली वाओ वाला है ये। आप देख सकते हो कि मैंने अपने बाल कर्ल किए थे अभी आप ही के सामने, एंड अब देखिए स्ट्रेट कितने बढ़िया तरीके से हो गए और कितने जल्दी हो गए हैं। एंड गाइस ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हेयर स्ट्रेटनर को लेके। काफ़ी अच्छा है, बहुत कम बजट में बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी अगर परचेज करना चाहते हैं तो। जो भी इसका परचेजिंग कोड होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है rashminiranjan786। ऐसे ही वीडियो आगे भी आते रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका सब्सक्राइब बटन रेड है तो प्लीज़ उसे ग्रे कर लीजिए, एंड ऑल नोटिफिकेशन के ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप वो भी देखा करिए, क्योंकि अनबॉक्सिंग कईयों बार बहुत अच्छी चीज़ों की मैं शेयर करती हूँ, जिनका मैं रिव्यू शेयर नहीं कर पाती हूँ, बट मैं उनकी अनबॉक्सिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। प्लीज़ आप लोग वो वीडियोज़ भी देखते रहा करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।